तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे साथ है मिताली। एंड फाइनली 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 वी आर शूटिंग अ वीडियो एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ फन चैलेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मिताली। सो द फन चैलेंज इज ट्रूथ और ड्रिंक। तो इस चैलेंज में हम एक दूसरे को अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस पूछेंगे एंड वील ट्राई कि वो क्वेश्चंस इतने स्पाइसी हो कि सामने वाला आंसर ना कर पाए उन क्वेश्चंस को। एंड अगर सामने वाला आंसर नहीं कर पाता है तो दे हैव टू ड्रिंक एक बहुत ही गंदी ड्रिंक जो हम अभी बनाने वाले हैं। पूरी वीडियो का, इस पूरी फन चैलेंज का जो हीरो है वो हमारी वो ड्रिंक होने वाली है, जिसमें हम लोग एक एक करके कुछ इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे और हमें दोनों को वो ड्रिंक अभी बनानी है। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद मिताली। लास्ट में लिया है पानी, मैं कम ही पानी लेती हूँ, मुझे कम पीने। ठीक है, तो जो पहला गंदा इंग्रेडिएंट हम बनाने वाले हैं वो है थोड़ा सा ओके, तो थोड़ा सा यार और मसालेदार करें, थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं। ओ गॉड, ये बहुत गंदी बनने वाली है। मसाले को ज़्यादा पीनी पड़ेगी। शुरू करते हैं, आई थिंक धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाएंगे। सो हैव यू एवर मेड फेक अकाउंट्स? ऑफ कोर्स, ये तो इसमें तो क्या है, ये तो सब करते हैं, एवरीवन डज इट। नहीं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कब ऐसा हुआ है, यूट्यूब के लिए या किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए? नहीं, इवन बिफोर डूइंग यूट्यूब आई हैड फेक अकाउंट्स, लाइक ऐसे मजे में टू डू रैंडम स्टफ, लाइक टू स्टॉक पीपल। And even now also I have fake accounts to again to stalk people and all. Mera question related hai. I want to know that one person whom you stalk the most. I actually don't stalk. मतलब अब तो currently I'm not stalking everyone anybody. I am not currently stalking anyone and that is the truth. पहले time होता है तो ऐसे stalking नहीं, नहीं stalking means कि you know उन किसी की pictures से go through होना या post से go through होना या comments करना या whatever. Stalking is not specifically liking या attraction but ऐसे मतलब okay, so I stalk girls also a lot. Okay, I stalk Mitali. Because Mitali is very active on Instagram and I मतलब मैं इतने ज़्यादा लोगों को follow नहीं कर रही हूँ। I take this as a compliment. Yeah, it is a compliment. मतलब I genuinely appreciate the fact कि Mitali बहुत ज़्यादा active है and she takes out time to create amazing, amazing, amazing content and I love it. Actually, I love it. मैंने बहुत सारी Mitali की videos वगैरह भी देखे तो मुझे काफ़ी पसंद है and मैं बहुत ज़्यादा लोगों को Instagram पे फॉलो नहीं करती हूँ तो मिताली को मैं करती हूँ और मिताली की भी हमेशा पोस्ट लाइक करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। विच यूट्यूबर इज ओवर रेटेड? ड्रिंक 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 ये मैं ड्रिंक ही कर लेती हूँ यार, यूट्यूब पे मैं बोलूंगी विच यूट्यूबर अच्छे से पूरा बहुत गंदा है ये। What is that one biggest lie that you have told your parents? I have actually not lied. मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा झूठ है जो अपने पेरेंट्स से बोला है, और अगर बोला भी है तो ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ तो बताऊँगी नहीं, सो इट्स ओके, आई विल नॉट। हाँ, एक्चुअली मैंने नहीं बोला है कोई झूठ, तो आई कैन नॉट, मतलब ऐसा कुछ बड़ा कोई झूठ मैं नहीं वो कर सकती। मैंने अगर ये झूठ है तो एक बार मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, बहुत ये झूठ नहीं है। ना ना ना, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मतलब झूठ नहीं बोला तो इसके मुझे ड्रिंक करना पड़ रहा है आज। हाँ, यू हैव ड्रिंक, चल ओके अच्छे से। बहुत लिटरली बहुत गंदा है ये, इसको घर पे ट्राई नहीं करना प्लीज। व्हाट इज दैट वन थिंग यू हेट अबाउट मैम्सी? ये तो मैं बोल सकती हूँ, ये तो मैं बोलूँगी ऐसे। आई कैन, मैं दो तीन चीज़ें गिनवाना चाहूँगी यहाँ पे। नंबर वन इज़ हॉस्टल में एसी नहीं अलाउड है, विच इज़ लाइक रियली रियली बैड। सबसे बड़ी मुझे दिक्कत लगती है मैमसी की ये कि गर्ल्स हॉस्टल में एसी इज़ नॉट अलाउड। सेकेंड आई
से स्टेशन, मतलब आई वांटेड कि साउथ दिल्ली में होता कॉलेज, वो तो यार कुछ ही होते हैं, कुछ कॉलेज ही होते हैं साउथ दिल्ली। एंड सेकेंडली आई वुड से कि हमारे टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं नैन्सी एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो या हु इज़ दैट वन पर्सन जिसके लिए यू वुड चीट ऑन एनी वन? वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? आई डोंट चीट एनी वन। आई एम, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा इंसान जिसके लिए आप किसी को भी चीट करने को तैयार हो जाओ। ओके, आई थिंक नेम अ सीनियर क्रश ऑफ योर्स, मतलब कॉलेज में। यस, ऐसे तो अभी तक कोई है नहीं। सही, आई हैव नॉट सीन आल्सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू आंसर, सॉरी। आई एम ड्रिंकिंग देन। व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, रिवील करें? आई थिंक माय बिगेस्ट फियर इज टू गेट चीटेड। ओ, दैट्स माय नाइस, वेरी नाइस। So, Mitali, have you ever cried about the hate comments that you sometimes get? I think every YouTuber gets hate comments, but have you ever actually cried because of them? Haan. I think initially, jab wo starting wala phase hota hai, jab aap grow karte ho, I think as a YouTuber, everybody grows and evolves. Yeah. Jo ek phase hota hai, you have to learn a lot of things, which you... हाँ, मतलब तुम रियल लाइफ में शायद वो कभी एक्सेप्ट ना करो जो तुम यहाँ पे एज अ यूट्यूबर करते हो चीजें, तो आई थिंक करना पड़ता है। या यू हैव टू, राइट। हु इज द लास्ट पर्सन यू हैव टेक्स्टेड एंड व्हाट, एंड यू हैव टू शो इट हियर? ओके, एंड देन आई विल हैव टू सी कि मैंने किसे टेक्स्ट किया था। आज हम सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं। I'll check. अगर वो दिखाने लायक होगा तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो फिर the drink is always an option. WhatsApp पे तो you were only there, और उससे पहले I think और किसी को text नहीं किया था मैंने। अच्छा, मतलब तुमने किसी को text ही नहीं किया? मतलब सुबह से अब तक टाइम हो गया ना, व्हाट्सएप पे दिखाने लायक चीज़ें नहीं होती यार। सो यू हैव टू ड्रिंक देन यार। नहीं, अब तो मैं बता रही हूँ ना, सी आई लास्ट टेक्स्ट, इसमें भी देखो सबसे ऊपर रिशिता मैम ही, आई हैव मेंशनड हर इन माय स्टोरी। उससे पहले आई हैव मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उसका मागरा ओनली, मतलब वी वर टुगेदर इन आर कोचिंग्स एंड ऑल इन 9th and 10th standard। तो शी रिप्लाइड ऑन माई स्टोरी एंड कुछ नॉन सेंस बातें करी थी हमने, विच आई कांट शो योर। यू हैव टू यार। आई ड्रिंक ओनली, आई कांट शो माई चैट्स ऑन यूट्यूब। एनी वे, वॉट इज दैट बेस्ट, मतलब अब ऑब्वियसली यू आर अ गर्ल, तो आई एम अज्यूमिंग कि समबडी तो मस्ट हैव हेट ऑन यू इन 20 years, 21 years, तो यू हैव टू टेल मी दैट वन बेस्ट पिकअप लाइन दैट हैज़ बीन यूज ऑन यू, और किसी की भी साइड से, मतलब बीट अ फैन, बीट अ फ्रेंड, बीट एनी वन, आई जस्ट वॉन्ट दैट वन प्रिटी डिस्टिंक्ट पिकअप लाइन यूज ऑन यू। दिस इज डिफिकल्ट, मुझे ऐसे याद भी है यार। How can I take the name यार? अरे, this is the challenge. नहीं नहीं, I can't, sorry. This is the challenge. No, no, sorry. I'll drink. It's fine. I can't reveal things here. People will hit me. Instead of hitting on me, they will hit me now. ये तो बहुत अच्छा था। Did you have a heartbreak? नहीं, not yet, and I'm very very happy about it, very very thankful about it. Okay, that was very boring, but yeah. It's good. You should easily yaar answer kar do ga yaar, kuch maza hi nahi aaya. What is that one thing about you that you are very 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 proud of, matlab ghamand hai aapko jis cheez ka apne aap pe, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट आई थिंक जनरली स्पीकिंग, बट आई एम प्राउड ऑफ क्रिएटिंग
something which can help others, and that is my YouTube channel which I created last year. And whatever hard work I have put in the past 1 year, I think that has been fruitful for me as well as for people who are following me. So that is something which I am proud of, but not in a negative way. अब इसमें कमेंट्स मत करने लग जाना आपको बड़ा घमंड है इतने सब्सक्राइबर्स का, ऐसा नहीं है. मतलब हम प्राउड इसलिए हैं बिकॉज यू आर देयर. या सो वी रियली लव यू ऑल एंड इवन मिताली डज. इवन इफ शी डजंट आई एम टेलिंग यू. ओके ठीक है, योर टर्न. सो वॉट इज दैट वन थिंग विच मोस्ट पीपल थिंक दैट इज ट्रू अबाउट यू बट इज नॉट? There are quite a few things जो लोग text करते हैं. For example, people think that I live in Delhi, but I don't live in Delhi. I live in Agra. I mean, my home is in Agra and college is in Delhi, obviously. Secondly, people think that I did social media and everything beside NEET preparation, but I didn't. NEET preparation went बहुत अलग. And after my NEET preparation was almost finished in the I think April of 2020, that is when I started doing YouTube and Instagram and everything, and that was basically for my dance purposes. So yeah, that started really late. I didn't do both these things side by side. Who is that YouTuber you have a crush on? Okay, so this is my question which I sent her as a sample, and she is asking me this. This I'm is what happens when you trust people. I am telling you. A YouTuber that I have a crush on is Sanam. Oh. And I love him. I absolutely love him. Nice. And I'm a very big fan of his. And yeah, I attended a concert at AIIMS Pulse. Oh. Which was amazing. So he came which you to have Pulse? With Mitali. Yeah, he did. Come to Pulse last year, and wow, we literally loved it. Standing in the first row in the AIM section, somehow we entered there, and it was really amazing. I'm jealous. But now. I think Mitali, really jealous. Yeah, you should be jealous. You were 1 year late, and you are now my junior. So yeah, you should be jealous. You couldn't attend, but I did, and it was fun. Anyway, now I'll wait for at least 2-3 years for this COVID to end, and then probably fests return in place. Anyway. So Mitali, till date, how many boys have you crushed upon? Okay, I don't keep a count. But you have to count right now. Give us an approx number, like, let's say 30, 40, 50, anything. Oh, इतने सारे नहीं. आई मीन इफ आई टॉक अबाउट रियल लाइफ बॉयज, मतलब मैं ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हटा दे रही हूँ एंड लाइक रियल लाइफ बॉयज, तो आई विल से 3. बस इतनी टाई हार्ड हो तुम. यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ गाइज ऑब्वियसली हु हैव एवर प्रपोज्ड टू यू. दिस इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू नो राइट? I know. चलो tell or drink. What do you choose? बहुत ही गंदा है ये, बता नहीं पा रही. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर मान लो कोई हो ही ना, जीरो होगा नंबर तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी यार. 150 लोग होंगे. ऐसा नहीं है. अगर जीरो होगा तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी. मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती. Tell us that one YouTuber whom you have bitched about. drink. ये तो बहुत गलत बात है. I mean, गलत क्या है यार? How can you ask this question on YouTube? That one YouTuber who I bitched about or who I have bitched about. थोड़ा ज़्यादा ख़त्म करना है अब. अभी तो बहुत बचा है मेरा. मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया था, मुझे पता था मेरा ख़त्म नहीं होगा. लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये मेरी साइड से नहीं है, ये ऑडियंसिस की साइड से है. सब पूछते हैं इसलिए मैं उनकी तरफ से पूछ रही हूँ, मतलब एज देयर रिप्रेजेंटेटिव. मैं नहीं पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन, सब पूछ रहे हैं क्वेश्चन. दैट दीदी, हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप? यस, आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप विद माई बुक्स.
ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है, नहीं नहीं ज्यादा मतलब नहीं तुम कितना गलत सोचते हो, हमारी डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट यार, लाइक रिलेशनशिप कैन बी विद एनीथिंग, बट आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माय फैमिली, यस नो आई लिव इन अ फैमिली, आई लव माय फैमिली, नो 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 मिताली, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू जेन्युइनली थिंक अबाउट द कंटेंट आई मेक, पहले इस वाले चैनल से स्टार्ट करते हैं, ऐसे प्रॉपर जज कर रेट करते हो, ठीक है चलो लेट्स गो, आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू सेड इनिशियली ऑल्सो इन द वीडियो दैट द कॉन्टेंट हियर ऑन दिस चैनल इज लाइक अ वेरी टू वे कॉन्टेंट, इट बेनिफिट्स यू एज वेल एज द ऑडियंस, तो आई थिंक वैल्यू प्रोवाइडिंग कॉन्टेंट इज ऑलवेज गुड, आई हैव टू से इफ आई हैव टू टेल, तो आई केम अक्रॉस योर चैनल बैक इन सेप्टेम्बर या लेट ऑगस्ट या अर्ली सेप्टेम्बर, नीट 13 सितंबर को था तब, और मैं सिर्फ अपने ब्रेक्स में देखती थी ये यूट्यूब एंड ऑल, विच वॉज़ वेरी लिमिटेड क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन पढ़ रही होती थी तब, आई यूज़ टू स्टडी लाइक फॉर 15-16 आवर्स अ डे, बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी मैं, बट वट एवर 15-20 मिनट का ब्रेक आई यूज़ टू टेक, तो आई केम अक्रॉस योर चैनल, मतलब इट केम इन टू माई रिकमेंडेशन और समथिंग, और आई वॉच्ड दिस वीडियो जिसमें यू हैड, मतलब इट वॉज अ मोटिवेशनल वीडियो सॉर्ट ऑफ जस्ट बिफोर नीट, तो यू हैड टोल्ड अबाउट थिंग्स लाइक कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सब भूल रहे हो, बट आई नो तुम्हें आता है, एंड इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो एंड आई रियली वॉच्ड इट एंड आई गॉट गूज बम्प्स, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो, आई इवन टोल्ड माई मम्मा अबाउट दैट वीडियो, so I really liked that sort of vibe that the video gave, so haan the content is really good here, especially I'd say the motivational videos like which tell you that no you think you can't but you can, so yeah, and I think this is the best compliment which I have no and this so is far. This is very and genuine, trust me, matlab maine I came yeah. across this and even matlab I could relate so much na that you think ki tumhe syllabus nahi aata hai but you would eventually recall and you'd said such things like ki matlab as far as I remember ki ab apna time aayega nahi, apna time aa gaya hai and this that and नीट के पेपर से, मतलब यू हैड सेड दैट आई हैड थॉट कि मैंने 2 साल में जितने सैक्रीफाइसेस किए, जितनी जितनी चीज़ें छोड़ी हैं, मैं उस नीट के पेपर से वो सारा बदला लेके आऊँगी एंड ऑल ऑफ दैट, आई रियली लव्ड इट, आई वाज लाइक यार दिस इज़ द वेरी थिंग दैट, दिस इज़ द वेरी माइंड सेट दैट वी शुड गो टू द पेपर लाइक कि भाई मैंने तेरे लिए इतनी सारी चीज़ें छोड़ी हैं, अब तुझे मुझे वो सारी चीज़ें वापस देनी है, आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू, so that was really nice, trust me this is the best compliment ki mitali ne meri video dekhi thi and she's genuinely ab bacche kuch log comment shayad karenge yaar ye nahi but genuinely I had seen her video in late august or early september, matlab tab her channel was in a very growing kind of a phase, I remember I saw her channel at kuch pehle 27-28 aur uske kuch hi din baad I saw it was 38.84k subscribers kuch aisa, so I was like and I think this was the video after which I subscribed to her channel, so I really liked it, thank you so much Mitali and I think people would have loved this video, I hope so, did put in a lot of effort, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढे, बहुत सोचा और एक्चुअली बहुत टाइम बाद हमने एक दूसरे से, मतलब बहुत टाइम से सोच रहे थे बनाएंगे 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 बट वी कुडंट टेक आउट टाइम एंड फाइनली दिस इज़ गोइंग टू अपलोड वेरी सून, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया वीडियो के साथ एंड प्लीज़ जो भी हमने चीज़ें बोली हैं दैट इज़ ऑल आउट ऑफ फन, कुछ सीरियस ऐसे नहीं है कि कहीं किसी को हम ऑफेंड नहीं करना चाहते इस वीडियो से, दैट इज़ जस्ट फॉर फन, तो आप उसको ऐसे दिल पे मत लेना एंड ऐसे ही हम बहुत अमेजिंग कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे, मिताली का चैनल सब्सक्राइब करना, ये वाला चैनल सब लोग जाके, और यहाँ पे भी प्लीज 100K होने वाले हैं, वी आर सिल्वर प्ले बटन चाहिए मैम को, मिताली ने बोल दिया से जल्दी से अब चाहिए, अब मिताली ने बोल दिया करेंगे सब्सक्राइब अब तो होगा सर, अब बढ़ेंगे, अब तो 100 के ऐसे 2 दिन में होंगे आपके सो मुझे तो बहुत मज़ा आया एक्चुअली मिताली एंड थैंक यू फॉर कमिंग हेयर, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ वीडियो विद मी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल फॉर मेकिंग अ वीडियो, एक्चुअली आइडिया मिताली का ही था, मिताली डिड कॉन्टैक्ट मी एंड
आई वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब आई यूज़ टू वॉच हर वीडियोज़ एंड आई रियली लव हर कॉन्टेंट. जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने इसकी वीडियोज़ भी देखे, नीट रिलेटेड भी कॉन्टेंट मैंने इसका कुछ देखा है. एंड देन द डांस वाला तो अमेजिंग है ही इसका. इनफैक्ट आई गेट इंस्पायर्ड बाई मिताली. मुझे लगता है यार खड़ी हो जाए श्वेता, तू भी कर ले, तू भी थोड़ा सा डांस कर ले. तो इनफैक्ट आई गेट इंस्पायर्ड बाई हर. एंड हम ऐसी और मज़ेदार कॉन्टेंट बनाते रहेंगे. और बता देना कमेंट्स में क्या सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, क्या सबसे मजेदार इंसिडेंट था इस वीडियो का. लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ. एंड टिल देन या एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट. बाय बाय.